लोग भैया डेट कर गए रोड में सर, माँ पापा चले गए, हम लोग किसी के लिए नौकरी मांगते सर, हम लोग कुछ नहीं थे, हम लोग आज याद दीजिए सर, जिंदगी के बाद कुछ नहीं मांगे अहमद दादा से, हम तो घर जाएंगे सुसाइड करेंगे, ठीक है लास्ट ठीक चाहिए धनबाद से कई होमगार्ड अभ्यर्थी झारखंड की राजधानी रांची के लिए पैदल निकल गए। बता दें कि राजधानी पहुंचकर लोग को राजभवन घेराव करना था, लेकिन पुलिस के जवानों ने इनको धुरवा पुराना विधानसभा से आगे लेकर चले गए, जहां ये रुककर मीडिया से बात किए। इनके दर्द का अंदाजा आप इनके आंसू से लगा सकते हैं। बता दें कि पिछले 5 सालों से ये होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। रांची के लिए पैदल रवाना से पहले धनबाद जिले के विधायकों, राज्य सरकार, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रांची पहुँच हुए लोग राजभवन का घेराव करेंगे, साथ ही धरना भी देंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आले तो धनबाद नवनियुक्ति होमगार्ड बकरा दले हे कना आले धनबाद रे 40 दिन खन सिंजिन धरना ले दुडुना सिंजिन धरना रे दुडु कते धनबाद प्रशासन से कोई अधिकारी आले उयुंग लगे बको हे लिना जहां की विधायक ले मिता कुआ कि आले गोड़ वाले पे एनखन सब विधायक बार दिन आले आश्वासन को मालिया बार दिन आले मौज तक कथा वालिया और इन तयम सब माने मुको अचुर के तक गे माने ये क्या कसूर हम लोग का सर, हम लोग भैया डेट कर गए रोड में सर, माँ पापा चले गए, हम लोग किसी के लिए नौकरी मांगते सर, हम लोग कुछ नहीं थे, हम लोग आज याद दीजिए सर, जिंदगी के बाद कुछ नहीं मांगे अहमद दादा से, हम माँ पापा सब आसला लेके बैठे हुए सर, 5 साल से हम लोग का पूरा परिवार बेवस्था सर, हम लोग का हम लोग हाथ जोड़ते हैं सर, अहमद दादा को भी हाथ जोड़ते हैं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए सर, लोग नौकरी देते सर, जिंदगी के बाद हम लोग माँ पापा सब कुछ चाहिए सर, हम लोग जिंदगी में कोसते रहेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहीं भी हम लोग रास्ता नहीं खोला है सर, दौड़ निकाले लेकिन सर एक नौकरी हम लोग जिंदगी सर हाई लगा रहेगा सर, लेकिन वो सरकार हम लोग नहीं दे रही है जिंदगी भर, आज कभी मेरा बेटा बड़ा होगा सर एक होमगार्ड को नौकरी हम नहीं ले सके, अब क्या कीजिए, हमको बुद्धि देके हम क्या बोलेंगे उस टाइम बताइए, हमें जब जो मतलब बूढ़ा है जब ये जो अमर गिधर जवान है जाते तो अगर हम गिधर को देखे बाबा को तो बाबा हमें तो ये नहीं लिए पाले होमगार्ड नौकरी तो 5 साल झेली को नहीं लिए पाले तो हमको तो बुद्धि दिया लाओ हैं, तो अगर हम बेटा तुमने की मुटा लिख रो भाई की कहो अगर गए बेटा हमें इतने कष्ट कर लिया रांची के लिए मंत्री टीन के लिए विधायक टीन के लिए के हमारे बातें नहीं सुन लो तो हम की करो अभी कह जान दे दब ना तो आज हम कहो ये सब मीडिया के सामने तो घर जाएंगे सुसाइड करेंगे, ठीक है लास्ट ठीक चाहिए जी। माननीय हेमंत सोरेन जी, हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं सर, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से जॉइनिंग लेकर जाएंगे, नहीं तो हम लोग का लाश यहाँ से घर जाए घर भेजिएगा आप हम लोग का लाश भेजिएगा घर, ये जान लीजिए सर, ये हम आपको बता दे रहे हैं, हम लोग यहाँ से जॉइनिंग लेकर जाएंगे, नहीं तो आप हम लोग का डेड बॉडी का प्रबंध कीजिएगा घर भेजने का, आप जान लीजिए सर, बता रहे हैं हम लोग नहीं लेकर जाएंगे, नहीं तो हम लोग का बॉडी भेजिएगा आप घर बॉडी लिखित दिखाया गया, लिखित रूप से आश्वासन दिया कि सरकार से आप लोग का बात चल रहा है और आप लोग अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।